सैजिटेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। इसमें मैं अपना हैंडमेड टैरो डेक यूज करूंगी और साथ ही साथ कुछ चार्म्स भी यूज करूंगी, ठीक है। तो शफल कर लेते हैं धनु राशि सैजिटेरियस साइन के लिए। शफल शफल शफल। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये जो तीन शब्द है ना, इस हफ्ते की कलेक्टिव ऊर्जा है गाइस। कलेक्टिव में यही चलेगा, ये सारे भाव बहुत हैवी रहेंगे सभी के मन पर। तो मेक श्योर कि अगर आपका कोई और इम्पोर्टेंट काम है, मैं ये सभी रीडिंग्स में ये बात कह रही हूँ कि अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है आपका और आप उसके लिए ऊर्जा को बचाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, मेडिटेशन करनी है, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ताकि वो मन लगे आपका दूसरे कामों में भी, ठीक है। तो शफल, एयर ऑफ सोर्स, देखा वो कैसे फ्लाई होकर निकला ये कार्ड। तो आई लाइक वार्म हग्स। तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की ऊर्जा है यहाँ पर। आप किसी को मिस कर रहे हैं और इस हफ्ते जैसे जिस भी शख्स को आप मिस कर रहे हैं उनको उनके साथ मुलाकात हो सकती है आपकी, और वो जो गुस्सा गिला था या जो पास्ट में कुछ अगर कुछ बुरा हुआ है शख्स के साथ, तो उसको ठीक कर सकते हैं आप। उनके गले लगकर जैसे रो सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं और चीज़ों को दोबारा ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हेल्प है एक्चुअली आपके लिए, जो गाइडेंस यही दे रही है कि अभी भी अगर कोई दिक्कत है किसी रिलेशनशिप में तो उसे अभी भी ठीक किया जा सकता है, अभी भी चीज़ें आपके हाथ से गई नहीं हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग, सिक्स ऑफ सोर्स, डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रैवल, आप या किसी को मिलने जा सकते हैं या आपको कोई मिलने आ सकता है। एयर साइन बहुत है यहाँ पर, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आप में से कुछ लोग टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, माने कोई बहुत लंबा टेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा है इससे, कि कोई लिखकर अपनी सारी फीलिंग्स कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं आप मुझे माफ़ कर दो और आपसे भी जो गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे दो लोग जो कि रूठे हुए हैं वो मन सकते हैं, मतलब एक दूसरे के दोबारा करीब आ सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी आप किसी शख्स के साथ ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर ट्रैवल के भी चांसेस हैं, माने किसी डेट पर जा सकते हैं उस शख्स के साथ। आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली अपनी करियर में जॉब को खोया है, माने आपकी जॉब रिसेंटली चली गई है आपके हाथों से। इस हफ्ते उसके लिए भी जैसे आपको सराहना, मतलब आपको हेल्प दी जाएगी। मैं सराहना पता नहीं क्यों बोलने लगी थी हेल्प दी जाएगी, जैसे आपके आसपास के लोग आपको कहेंगे कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके साथ हम हैं, माने आपको हेल्प दी जाएगी। जैसे आपके मन को वो जो चोट लगी है उसे ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अगेन यहाँ पर हेल्प है, हग है यहाँ पर, और यहाँ पर एरोप्लेन। एरोप्लेन भी क्या होता है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है, माने कि एक हेल्प है हमारे लिए। यहाँ पर भी हग करना, माने हग करने से भी कहते हैं बहुत वो जादू की झप्पी से बहुत दर्द कम होता है कुछ लोगों का, है ना। तो हेल्प है इस हफ्ते सैजिटेरियस आपके लिए। अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को सुनिएगा। वाओ, देखिए मैंने हेल्प की बात की और हीलिंग का कार्ड, टेम्परेंस, धनु राशि, आप ही का कार्ड है ये वैसे, क्योंकि ये सैजिटेरियस का कार्ड होता है टेम्परेंस। टेम्परेंस टू ऑफ कप्स के बारे में भी हमें सूचना देता है। टू ऑफ कप्स, ऐसे कप्स जिसमें वो एंजल्स जो हैं वो एक दूसरे के कप में पानी भर रहे हैं ना, माने एक दो लोगों को जो एक दूसरे के लिए बने हैं उनको और करीब लाने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर आप चिंतित हैं अपने प्यार, अपनी लव लाइफ के लिए, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई किसी ना किसी शख्स को भेज रहे हैं, या फिर जो आपका ऑलरेडी शख्स है उनके साथ आपकी शादी के बंधन को बांधने की, यू नो, कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है। डिवाइन जो है वो कोई ना कोई आपको हेल्प दे रहे हैं यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल, अर्थ एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर अगेन पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो करियर में जैसे कोई आपको हेल्प मिल सकती है, पैसे की दिक्कत है तो मॉनेटरी हेल्प भी आपको कोई दे सकता है, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, कोई आइडिया दे सकता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी गाइडेंस आपको इस हफ्ते में कोई शख्स दे सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत यंग एनर्जी है इस शख्स की। वाओ, नाइन ऑफ कप्स, जितनी भी रीडिंग्स की हैं अभी तक, और मेरे ख्याल से ये आखिरी रीडिंग सैजिटेरियस की ही है, ये पहली बार निकला है कार्ड इस सीरीज में, ये जो वीकली रीडिंग्स हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर किसी की मुराद पूरी हो रही है, जिसे किसी ने मन्नत मांगी थी उसकी मन्नत पूरी हो रही है, और अब अपना उस मन्नत का वो जो
हर जाना जैसे कहते, कैसे कहते हैं उसे हिंदी में, अपनी मन्नत, क्योंकि उसकी पूरी हुई है, वो अपनी मन्नत को उतार रहा है वो शख्स। माने इस हफ्ते आप पूजा पाठ में भी जहाँ पर आपने मन्नत मांगी है वहाँ पर भी जा सकते हैं, कुछ चढ़ा सकते हैं, चढ़ावा गरीबों को कुछ लेकर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी की मुराद पूरी हो चुकी है, हो चुकी है। जैसे अगर अभी आपको लग रहा है कि नहीं हुई, तो इस हफ्ते वो हो सकती है। यहाँ पर भी अबंडेंस से रिलेटेड है कुछ, क्योंकि अंगूर का गुच्छा है ना, अबंडेंस, कुछ ना कुछ अबंडेंस पैसे को लेकर, जैसे आप सोचते हैं, या घर में कोई चीजों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई मटेरियल वेल्थ जिसे कहते हैं हम। पेज ऑफ सोर्स, दो पेजेस हैं यहाँ पर। यहाँ पर एयर एनर्जी ज्यादा है गाइस, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, एक्साइटमेंट। आपको जैसे कोई ना कोई फन एक्टिविटी करने का भी मौका मिल सकता है इस हफ्ते, खास करके अगर आपके पास पेट है कोई, आपके पास अगर कोई पेट है तो उसके साथ कुछ ना कुछ फन एक्टिविटी करने का मौका मिल सकता है, कहीं बाहर घूमने जाने का भी मौका मिल सकता है। यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है ये, तो किसी के साथ खुलकर दिल की बात भी कर सकते हैं आप। जैसे कोई आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो वो दिल की बात भी उस शख्स को बता सकते हैं, कह सकते हैं। एक्साइटमेंट, वो पेट में बटरफ्लाइज जब फील होती हैं हमें, तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। आपके चांस भी देख लेते हैं हम। आपका एक चार्म निकल गया था, मैं इसे उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर है ये हार्ट, ये देख रहे हैं, ये सुंदर सा हार्ट, ये बुना हुआ हार्ट, तो दिल से रिलेटेड कुछ भी, हार्ट चक्र से रिलेटेड कुछ भी होगा वो हावी रहेगा। आपके फोकस में है ये आईफिल टावर, सी अगेन, यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रैवल से रिलेटेड तो जरूर है। कुछ लोग तो लिटरली शायद पेरिस जाने का सोच सकते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लोकल या फिर एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी हो सकती है, ठीक है। स्नोफ्लेक है यहाँ पर, स्नोफ्लेक का ये जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि ये अपने आप आकार बनता है, माने जब बर्फ गिरती है ना, स्नो गिरती है, तो कुदरती तौर पर इसका खुद का आकार ऐसा होता है, ये इंसान नहीं बनाते आकार, है ना। तो कुछ चीज़ें भगवान के अगर हाथ में हो तो वही ठीक है, ये उसके बारे में मुझे हमेशा संकेत देता है कि कुछ चीज़ें अगर भगवान अपने आप ही बनाए तो वो वैसी ही होनी चाहिए, और इसका आकार वैसा ही कितना सुंदर होता है देखिए। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ भगवान की तरफ पर आपको छोड़ने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, उन पर छोड़ दीजिए, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन भी है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये बटरफ्लाई है। आपके फोकस में बहुत कुछ चल रहा है, ये डेस्टिनी का भी चार्म है यहाँ पर, तो डेस्टिनी, भाग्य के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, हो सकता है आप अपना जन्म पत्र भी जो होता है वो भी इस हफ्ते बनवा सकते हैं या दिखा सकते हैं, यू नो, किसी पंडित को। यहाँ पर कैंसर की भी ऊर्जा है, किसी कर्क राशि के शख्स के साथ भी डील कर सकते हैं। बेबी आउल जो कि सीखने की, बेबी आउल जो होते हैं, आउल जो होते हैं ना, उनकी ऊर्जा होती है विजडम, बहुत वाइज होते हैं, और ये बेबी आउल माने कि कुछ सीख रहा है, ये अभी ट्रेनिंग में है जैसे, तो आप कुछ सीख भी सकते हैं। मशरूम अगेन अच्छा हेल्दी खाना खाने के लिए हमें प्रेरित करता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और गुड लक की भी निशानी, ये टर्टल जो है, ये चार्म पहली बार निकला है मेरे ख्याल से, मुझे देखने दीजिए ये है क्या। ये है पाइसीज का, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी फिश है अगर आप देख सकते हैं, तो ये पाइसीज का भी चार्म है। मीन राशि के किसी शख्स के साथ भी डील कर सकते हैं। और ये ब्लू स्टोन, ये इंट्यूशन के लिए होता है, माने इंट्यूशन हमारे इमोशंस पानी के साथ जोड़ते हैं ना, तो वो नीला रंग, तो इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा, अपनी इंट्यूशन की भी आपको कुछ जो मैसेजेस थे उसको भी सुनने की कोशिश कीजिएगा। पीस का साइन है यहाँ पर, माइंड बॉडी स्पिरिट में पीस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर। माय गॉड, ये चार्म भी मेरे ख्याल से 5-6 रीडिंग्स में निकल चुका है ये चार्म, ये रेड सिग्नल का, तो कुछ रेवलेशंस भी हो सकती हैं। कोई किसी का, जैसे मैंने ये पिछली एक रीडिंग में भी मैसेज दिया था, किसी का पर्दाफाश हो सकता है, जैसे किसी का सच्चाई जो है वो बाहर आ सकती है। क्लोवर भी है हमारे पास यहाँ पर, तो गुड लक की निशानी होती है क्लोवर भी, और ये पंछी भी है, तो कई नई उड़ान भरने के लिए। यहाँ पर भी देखिए एरोप्लेन की ऊर्जा थी, ट्रैवल की ऊर्जा थी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है ट्रैवल से रिलेटेड यहाँ पर।
यहाँ पर माय गॉड, यहाँ पर अगेन एक मछली है, तो पाइसिस तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इस महीने, इस हफ्ते के दौरान आपके लिए। यहाँ पर ये ब्रेसलेट भी है हमारे पास, तो नई दोस्ती भी किसी के साथ आरंभ हो सकती है, नई दोस्ती, नया रिश्ता भी किसी के साथ जुड़ सकता है। वाओ, ओके, तो आपके लिए तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा क्योंकि हमारे पास एक और क्लोवर है। सी, यहाँ डेस्टिनी है, यहाँ क्लोवर है, यहाँ क्लोवर है, तो भाग्य से रिलेटेड कुछ ना कुछ है यहाँ पर, डेस्टिनी से रिलेटेड कुछ शुभ, कुछ शुभ, कुछ अच्छा। स्पून फीडिंग यहाँ पर, कुछ किसी को गाइडेंस भी दे सकते हैं आप इस हफ्ते, या आपको भी मिल सकती है। ये छाता, ये अम्ब्रेला, जो कि हमें कहता है कि वो ग्रे क्लाउड सब जा चुके हैं, धूप निकल चुकी है, दिन उदय हो चुका है, वो कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल चुके हैं। ग्रे क्लाउड माने कन्फ्यूजन, जब सूरज उदय हो जाता है, सन कार्ड की ऊर्जा माने सब कुछ प्रत्यक्ष है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो ऐसी ऊर्जा भी अवेलेबल है। और फाइनली आपके लिए हेडफोन्स, अपनी धुन में मगन रहिए, जो कोई कुछ कह भी रहा है गलत, आपको नेगेटिव बता भी रहा है, उसको सुनना नहीं, उसको बस इग्नोर कर दो, बस अपनी धुन में मगन रहो, अपने विश्वास में अडिग रहना है, ठीक है। तो ये है ऊर्जा आपके लिए इस हफ्ते के लिए सैजिटेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।